आज या ठिकाणी कोकणच्या राजाच्या दर्शनाकरता आयुष अधिकारी क्रांती रेडकर या देखील आलेले आहेत. बहुत जुड़ रहा है आपके साथ में, बात करें तो काफी फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं आपके, तो क्या पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? देखिए ये कहना तो बहुत जल्दी होगा अभी, भविष्य में क्या है वो सिर्फ महाकाल और हमारे गणपति बप्पा जानते हैं और कोई जानते हैं, लेकिन लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा के लिए जन्मा हूँ और अंत तक लोगों की सेवा करूँ. सर आपके बहुत फाइनल फॉलोअर्स हैं और काफ़ी आपके उसके फॉलोअर के चक्कर में आपने इतने अच्छे मैसेज देते हैं, नशा मुक्ति अभियान लोगों ने चला दिया है. देखिए लोगों का प्रेम है, हमारी जनता का प्रेम है, सिर्फ महाकाल हमारे गणपति बप्पा और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद है हमारे पे, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. दूसरी बात है कि मैं एक छोटा सा अधिकारी होने के साथ साथ मेरे ये भी दायित्व बनता है कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सैलरी मिलती है, आपका एक संस्था है जो आप उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते रहते हो, ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हमारा विचार मंच है तो उसमें दो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो नशा मुक्त है, गांव गांव जाते हैं हम लोग, हर जिले में जाते हैं महाराष्ट्र के, और वाशिम जैसे जिले में हमने दो तीन गाँव को भी नशा मुक्त किया है, और दूसरा हमारा है कि आई ए एस और आई पी एस बच्चे कैसे एंटर करें, उसके लिए कोचिंग में हर रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और विशेष आदिवासी भागों में जाता हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनके पास में सुविधा बुक्स की नहीं है, पैसे की नहीं होती है, तो उनको कोचिंग देके ये कोशिश करता हूँ कि वो भी आए साइड में बोले सुबह उनके पूरे घर का उनके पूरे साथ मुझे तो. हर 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 सबसे आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, आपके पीछे मेरे मेरे घर में तो लक्ष्मी दुर्गा गुरु है, जब पूरे टाइम जब पूरा समय के टाइम पे हमारी दुर्गा साथ में थी, तो मैं तो लोगों को ये कहता था जो जो मेरे सामने शत्रु होते थे, जो गंदे प्रकार के शत्रु थे, फिर से तो बाद में लड़ेंगे, पहले दुर्गा से लड़ूंगा. अभी मेरे तक ये नहीं शक्ति थी युवा पीढ़ी का, आपने पैसे दिए जो भी काम करे ईमानदारी से, इसके अगर कितना रुकावट है आप क्या? बिल्कुल देखिए अगर आप प्रवाह के खिलाफ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके ऊपर सौ प्रकार के आरोप लगेंगे, लेकिन लास्ट में तो यही होता है ना, सत्य की विजय होती है. हमारे गणपति बप्पा तिरुपति जी हमारी माँ पिताम्बरी साथ में रहती है, जो सत्य के साथ में रहती है हमेशा, तो यही है जिद्द और चिकाटी से काम करो, आपके सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करो, भले ही कितने भी आरोप आपके रहते. मैम आपसे पूछना चाहते मैम, तो मान लीजिए घर में कितने मामला करना पड़ता है? कि हम में कितनी ताकत है, तो उसी वक्त जैसे बोलते हैं ना कि
आखिर उनका मैसेज देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए? मैं युवा पीढ़ी के लिए यही देना चाहता हूँ कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। नशा से दूर रहे, हमारे राष्ट्रों को उत्तम बनाए, हमें जर्सी और गंजेड़ी नहीं चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रों को कमजोर नहीं चाहिए, एक मजबूत और खत्म राष्ट्र। गणपति बप्पा, हरिया मंगल मूर्ति।